फ्रेंड्स, फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ, सो प्लीज आप इसे स्किप करके ना देखें, हो सकता है स्किप करने से बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाए। इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर हमारे घर में खरगोश है तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कभी भी अपने बनी को, अपने खरगोश को कभी भी आप घर के बाहर ना छोड़े, क्योंकि यह एक प्रे एनिमल है और इसे कुत्ते और बिल्ली से नुकसान हो सकता है। और अगर आपके घर में बालकनी है तो प्लीज आप अपने खरगोश को अपने निगरानी में ही रखें, क्योंकि ईगल से उससे खतरा भी हो सकता है। ये बात ही काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मैं बताने वाली हूँ ये काफी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपके घर में खरगोश है तो प्लीज आप इस चीज का काफी ध्यान रखें। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हम लोग दाल, चावल, रोटी, फ्राइड सब्जियाँ या फिर मसालेदार कुछ सब्जियाँ हम लोग खा रहे हैं, या कुछ भी हम लोग खाना लेकर बैठते हैं, तो आप हमेशा एक चीज नोटिस करते होंगे कि आपका जो बनी है, आपका खरगोश है, वो हमेशा आप जो खा रहे हैं उसमें वो काफी इंटरेस्ट रखता है कि वो भी उसे टेस्ट करे, उसे वो खाए, उस खाने को वो भी टेस्ट करे। लेकिन आप उसे वो खाना ना दे, क्योंकि उससे उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। रैबिट को क्या खिलाए, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और वो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपको पता ही होगा कि रैबिट इलेक्ट्रॉनिक के तार को अपने दांत से बहुत ही इजीली आसानी तरीके से काट देता है। सो गाइस, आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपने जो चीजें कहाँ पर रखी है और कैसे रखी है। प्लीज आप अपने लैपटॉप के जो बैटरी है, ईयरफोन है, ये सब अपने बेड पर बिल्कुल भी ऐसे ना रखें, क्योंकि वो रैबिट उसे कुतर सकता है, अपने दांतों से खराब कर सकता है। इसलिए लैपटॉप के चार्जर को हम ऑलवेज अपने बैग में रखिए, ईयरफोन को भी ईयरफोन के कवर में रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेल्ट, पर्स, ये सारी चीजों को भी रैबिट नुकसान पहुँचा सकता है। सोफा सेट भी उनमें से एक है, सोफा सेट को भी रैबिट अपनी दांतों से खराब कर सकता है। रेफ्रिजरेटर को भी आप बहुत ही अच्छी जगह पर लगाएं, ताकि रैबिट वहां तक ना पहुंच पाए, क्योंकि रैबिट रेफ्रिजरेटर के जो पीछे लगे हुए जो तार होते हैं उसे अपने दांतों से खराब कर सकता है। सो गाइज, अगर आपके घर में बनी है तो प्लीज आप इन बातों का काफी ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग नंबर फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। खरगोश अपने आप को सेल्फ ग्रूम काफी बार करता है, दिन में अपने आप को खुद वो साफ करता है, इसलिए उसे नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने बनी को मत नहलाए, अगर काफी इम्पोर्टेंट हो तो ही नहलाए, अदरवाइज मत नहलाइए उसे, क्योंकि इससे उससे उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। नंबर फिफ्थ पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं, ये पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है। अगर जिनका घर ग्राउंड फ्लोर पर है तो आप अपने दरवाजे और खिड़कियों पर काफी ध्यान रखें, उसे वो बंद करके रखें, क्योंकि हो सकता है कि अगर बिल्ली या कुत्ते ने अगर एक बार खरगोश को देख लिया तो वो अटैक भी कर सकता है खरगोश के ऊपर। तो आप ये चीजों को ध्यान रखिए, ये जितने भी मैंने अभी 5 पॉइंट बताया है, ये सारी चीजें ध्यान रखिए और अपने बनी को सेफ रखिए। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।